शुक्रवार को छतरपुर के जिला प्रशासन ने छतरपुर के छत्रसाल चौक के आसपास मौजूद अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान कई दुकानदारों के अवैध कब्जों को हटाया गया। कई दुकानदारों ने दुकान के बाहर अपने डिस्प्ले बोर्ड रखे थे। कई दुकानदारों ने इन स्थानों पर अपने टेबल और कुर्सियां रखे थे। इन सब को हटा दिया गया। इस दौरान छतरपुर की तहसीलदार रंजना यादव, नगरपालिका की टीम और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। इस दौरान प्रशासन की इस संयुक्त कार्यवाही में लगभग 20 से ज्यादा दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जी, विगत कुछ दिनों से हम सभी अपने शहर को सुंदर सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक मिशन पर हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाया गया। माननीय कलेक्टर हमारे श्री संदीप जिया जी के निर्देश अनुसार जो अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं अपनी दुकान के अतिरिक्त और कोई तरह का एडवर्टीजमेंट है, उनको हटाने की कार्रवाई ये जारी है। नगरपालिका की टीम और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से इसमें काम कर रही है। तहसीलदार रंजना यादव ने कहा कि कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर शहर को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छतरपुर में लगातार मुख्य सड़कों पर अवैध अतिक्रमण की खबरें सामने आ रही थीं, इसीलिए शुक्रवार को जेसीबी की मदद से ऐसे अवैध कब्जों को हटाया गया और हाईवे की सड़क को मुक्त कराया गया। इस दौरान नगरपालिका की सीएमओ माधुरी शर्मा भी मौजूद रहीं। जितने भी अवैध होर्डिंग्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। हाँ, ये मुहिम लगातार जारी है। कार्यवाही के दौरान कई दुकानदारों को इस बात पर एतराज हुआ कि नगरपालिका ने बगैर कोई सूचना और नोटिस दिए सुबह 10 बजे से ही ये कार्रवाई शुरू कर दी। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी नहीं खोली थीं और उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ दुकानदारों को इस बात पर एतराज था कि उनके डिस्प्ले बोर्ड तो उनकी छत पर छज्जे पर लगे हैं, फिर भी नगरपालिका की टीमें उन्हें जब्त कर रही हैं। यही डाकखाने चौराहे पर प्रयाग लाइट हाउस, सुबह से नगर पालिका की टीम आई है। अवैध रूप से सबके नाम, दुकानों के नाम लिखने वाले डिस्प्ले बोर्ड हटा दिए गए, जो कि छज्जे पर लगे हुए हैं। कोई इसमें अतिक्रमण का कोई सवाल नहीं है। कौन से रूल से ऐसा किया गया नगर पालिका द्वारा, ना बताया जा रहा है। 2,000 रुपये के नए बोर्ड बनवाए किसी ने और लेके चले गए या फेंक दिए उसको तोड़ के। बहरहाल प्रशासन की इस कार्यवाही से सुबह सुबह ही हड़कंप की स्थिति बनी। इस सड़क पर हुई इस कार्यवाही के कारण मुख्य सड़क अतिक्रमण से मुक्त तो होगी, लेकिन ये मुक्ति कितने दिन की है ये सोचने वाली बात है।